बाद उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, हैं इस भजन के माध्यम से हम और यीशु मसीह ने क्या वायदा किया, जहाँ दो या तीन जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में हैं, क्या इस पर विश्वास करते हैं आप? हैं, और उनके मध्य में होने का अर्थ है शैतान के कामों का नाश, रोग और बीमारियों की समाप्ति, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, लंगड़े चलेंगे, कैंसर के रोगी चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, ये प्रभु की उपस्थिति का प्रमाण है। हालेलुया, जय यीशु। देखो भाई, हम एक चीज़ के बहुत दीवाने हैं, हमारी दीवानगी परमेश्वर का प्रेम है। हम केवल इसी पर ही हमारी सारी थीसिस है, हमारी सारी रिसर्च है, हमारी सारी विचारधारा है परमेश्वर के प्रेम पर। यीशु दरबार का विचारधारा परमेश्वर का प्रेम है और कुछ नहीं, और यही परमेश्वर के प्रेम का आधार है। परमेश्वर के प्रेम का सच्चाई यही है कि आप सब इस दरबार में बैठे हो, बड़े प्रेम से बैठे हो। हमें प्रभु के प्रेम को पहचानने की आवश्यकता है, उसको जानने की आवश्यकता है। प्रभु ने लिखा है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है उसके अंदर परमेश्वर नहीं है। मनुष्य में जब परमेश्वर नहीं है तो प्रेम भी नहीं है, और परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने डाला है, और वो परमेश्वर का प्रेम कभी भेदभाव पूर्ण नहीं होता है। परमेश्वर के प्रेम में भेदभाव नहीं है, धर्म का, जाति का, रंग रूप का, भाषा का, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं उसके प्रेम में है। लेकिन हमें भेदभाव मनुष्य के प्रेम में दिखाई देता है, मनुष्य के प्रेम में बहुत भेदभाव दिखता है। एक दिन सुबेरे रात में बहुत देर से सोया था, ये 2 तारीख की बात है, 2 सितंबर को, पवित्र आत्मा ने मुझे सुबह ही सुबह 6:30 बजे करीब उठाया, कहा प्रेम पर कुछ लिखो, प्रेम पर कुछ लिखो। उसके बाद अंदर से एक गाना आने लगा, मतलब एक बात आने लगी, और वो क्वेश्चन था प्रेम पर सवाल हम करने लगे, हम प्रेम पर सवाल करने लगे। और हमारी भाषा जो है वो उर्दू थी, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम उर्दू भाषा में इस अंदर आत्मा में हम गा रहे थे। हमने कहा, अए मोहब्बते इंसान, अए मोहब्बते इंसान तू बदलती क्यों है, यानी वाई द लव ऑफ मैन चेंजेस, वाई ऐसा क्यों होता है, मनुष्य का प्रेम बदलता क्यों है। अए मोहब्बते इंसान तू बदलती क्यों है, बचपन में माँ है, बचपन में बिना माँ के बच्चा हिलता नहीं है, उसके हाथ को पकड़े रहेगा, उसके आंचल को पकड़े रहेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। बचपन में माँ है और जवानी में कोई और है, हम कुछ नहीं कहेंगे उसके आगे, जवानी में कौन है, है जो माँ का स्थान ले लेता है, जवानी में कोई और है, बुढ़ापे में सब कुछ समझ से परे है, है? बुढ़ापे में सब कुछ समझ से परे है। अए मोहब्बते इंसान तू बदलती क्यों है, अए मोहब्बते इंसान तू बदलती क्यों है, इंसानी मोहब्बत जरूरत पर चलती है, इंसानी मोहब्बत जरूरत पर चलती है, माँ की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। हालेलुया, इंसानी मोहब्बत जरूरत पर चलती है और माँ की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। अए मोहब्बत इंसान तू बदलती क्यों है, हम निरंतर ये सवाल कर रहे हैं, अए मोहब्बत इंसान तू बदलती क्यों है। कुदरत की फितरत ही है कुछ ऐसी, कुदरत की फितरत ही है कुछ ऐसी, इंसानी मोहब्बत कुछ वक्त पर ही चलती, इंसानी मोहब्बत कुछ वक्त पर ही चलती, यानी समय से बदलती है इंसान की मोहब्बत।
ऐ मोहब्बत इंसान तू बदलती क्यों है। खुदा से पूछा, हमने खुदा से पूछा, खुदा से जो पूछा तो वो ये बोले, खुदा से जब मैंने पूछा तो ये बोले, मैं हूँ मोहब्बत, आई एम द लव, मैं हूँ मोहब्बत जो कभी न बदलती। हालेलुया। मैं प्रेम हूँ, प्रेम बनाता हूँ, सुन प्रेम का राग सुनाता हूँ। मैं प्रेम हूँ, प्रेम बनाता हूँ, सुन प्रेम का राग सुनाता हूँ। मैं प्रेम की खुशबू से खुशबू, मैं प्रेम की खुशबू से खुशबू, और प्रेम का बाग लगाता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह प्रेम है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 7 और 8 पद में लिखा है, प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव, लव इज नॉट गॉड, गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। और आगे कहते हैं, दुनिया, खुदा ने दुनिया से ऐसी की मोहब्बत, कुर्बान किया मसीहा दर्दे सलीब पर। हालेलुया। खुदा ने दुनिया से की ऐसी मोहब्बत, पहली बात, खुदा से पूछा, खुदा से जो पूछा तो वो ये बोले, मैं हूँ मोहब्बत जो कभी न बदलती, जैसा कि पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। खुदा ने दुनिया से की ऐसी मोहब्बत, कुर्बान किया मसीहा दर्दे सलीब पर। लाते ईमान जो मोहब्बत मसीह पर, पाते हैं वो हमारे हमेशा की जिंदगी। हालाँकि से बचते, तबाही से बचते, आसमानी बादशाहत में हम शामिल होते। हालेलुया। आसमानी बादशाहत में शामिल होते। फिर खुदा ने मुझसे पूछा, खुदा ने इस नाचीस से पूछा, क्या कोई माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, या अपने पैदा किए बच्चे पर रहम न करे। हाँ, ये तो हो सकता है,
पर मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरी तस्वीर अपनी हथेली पर बना रखी है और तेरी शहरपना मेरी निगाह के सामने हर वक्त बनी रहती है। आमीन। कितनी ज़बरदस्त एश्योरेंस है परमेश्वर की, कितना ज़बरदस्त परमेश्वर का एश्योरेंस है जो हमारे लिए है। ये यशाया नबी की किताब में, प्रभु के वचन में, यशाया नबी की किताब उसका 49 अध्याय, यशाया 49, आयजाया 49, उसके 14 पद से लिखा है, हिंदी में पढ़ेंगे हम। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया। बहुत सारे लोग जब दुख और तकलीफ में होते हैं, बड़े गंभीर हालात होते हैं, बड़ी तकलीफें होती हैं, बड़ी परेशानियां होती हैं, उस वक्त मनुष्य क्या करता है, उस वक्त भरोसा खो बैठता है, विश्वास उसका टूटने लगता है और उसकी अवस्था एक अविश्वासी जैसी होने लगती है कि भाई कोई फायदा नहीं हो रहा है, हमें लगता है कोई ईश्वर है ही नहीं, हमारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। अरे मेरे प्रियो, ये जो सैकड़ों गवाहियां तुम दरबार में सुनते हो, इनको हमने रिश्वत नहीं दी है गवाही देने के लिए, जानते हो? और नहीं जानते हो तो पूछ लो जाकर इनके घरों पर, कितने पैसे दिए गए तुमको झूठी गवाही के लिए। तुम्हें झूठे गवाह कचहरी में मिल जाएंगे, पैसा देके कैसे भी गवाही दिलवा लो। यीशु दरबार सच्चाई का दरबार है, प्रेम का दरबार है, सत्य का दरबार है। यहाँ सच्चाई की गवाहियाँ होती हैं, झूठ के नहीं। यहाँ हमें झूठे गवाह नहीं चाहिए, यह हमें सच्चे गवाह चाहिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का तजुर्बा किया है, जिन्होंने यीशु मसीह की मर्सी को, उसकी दया को चखा है, वो यहाँ गवाही देते हैं। उनकी गवाहियाँ सच्ची हैं और उनकी गवाहियाँ विश्वास के योग्य हैं। इन गवाहियों से हमारा विश्वास बढ़ता है। तो प्रभु का वचन कहता है, क्या ये हो सकता है, कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। ये एक हकीकत है, परमेश्वर को अपनी सृष्टि के बारे में पता है कि 7 बिलियन पीपल आर लिविंग ऑन अर्थ, 7 अरब लोग यहां पर दुनिया में रह रहे हैं, 7 बिलियन, और भारत के अंदर करीब 1.32 बिलियन, 133-132 करोड़ लोग हैं, 133 करोड़ हैं, बहुत बड़ी संख्या है। और ये सब परमेश्वर की संतानें हैं। परमेश्वर ने इन सब के पिता को, जिसे हम आदम कहते हैं, जिससे शुरुआती पहला मानव, पहले आदि पिता और पहली आदि माता कहते हैं हम लोग, जिनका नाम आदम और हव्वा है, जिनकी सृष्टि परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में की थी, जिनके नथनों में परमेश्वर पिता ने अपनी सांस फूंकी थी और वो जीवित प्राणी बन गए थे, वो मनुष्य परमेश्वर की समानता स्वरूप में उनकी संतानें लगातार पैदा होती रहीं, भले ही वो भूलते गए। 2-4 पीढ़ियों के बाद लोग अपने दादे परदादे का नाम भी भूल जाते हैं, 10 पीढ़ियों के बाद किसी को याद नहीं रहता कि कौन उसके दादे परदादे थे, यदि इतिहास लिखा न जाए। अगर हम अपने परिवार के इतिहास को लिखकर, लिखे पढ़े लोग हैं तो वो इतिहास हम लिख लेते हैं, इसी प्रकार से इब्राहिम के दादे और परदादों का इतिहास जो आदम से शुरू होता है लिखा हुआ गया है, और ये इतिहास लिखा हुआ मनुष्य जाति का इतिहास इस बाइबल में पाया जाता है, सारी मानव जाति का इतिहास इस बाइबल में पाया जाता है। भले ही हम सारी पृथ्वी पर फैल गए हों, हमारे रंग रूप वातावरण के कारण बदल गए हों, हमारा खाना पीना रहन सहन बदल गया होगा,
हमारा संस्कृति बदल गई होगी, हमारी भाषा बदल गई होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर का प्रेम नहीं बदलता। हालेलुया। भाषाएं बदल गई मनुष्य की, यहां से 10-50 किलोमीटर चलोगे भाषा में परिवर्तन आ जाएगा। कहीं भोजपुरी है तो कहीं पश्चिमी भाषा है उत्तर प्रदेश, कहीं पंजाबी है तो साउथ में जाओगे तो तमिल तेलुगु तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, भाषाएं बदल जाएंगी। परंतु प्रेम अगर कोई प्रकट करता है, अगर वो तेलुगु भी है तमिल भी है तो समझ में आ जाता है कि वो हमसे प्रेम कर रहा है, हमको कपड़ा दे रहा है, हमें भोजन दे रहा है, नंगे को कपड़ा दे रहा है, भूखे को रोटी खिला रहा है, या कोई दुखी है तो उसकी दवा गोली कर रहा है, भाषा नहीं जानता है, उसकी चोट पर मरहम पट्टी लगा रहा है बिना भाषा के। ये भाषा प्रेम की है, ये परमेश्वर की भाषा है भलाई करने की। भलाई करने के लिए तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है, भलाई करने के लिए तुम्हें कोई भाषा बदलने की जरूरत नहीं है, भलाई करना है तो तुम्हें दिल बदलने की जरूरत है, मन बदलने की जरूरत है। इस बुरे मन से भले काम नहीं हो सकते, मन भला है तो सब कुछ चंगा है, मन भला है तो सब कुछ ठीक है। अपने मन को शुद्ध करो, मन शुद्ध होगा परमेश्वर का वचन और उसका प्रेम हमारे हृदय में स्थिर रहेगा। परमेश्वर का प्रेम दूध के समान है, प्योर मिल्क के समान है, एकदम शुद्ध दूध के समान है। शुद्ध दूध को किसी गंदे बर्तन में आप लेते हो कभी गर्म करने के लिए, जब दूध या दूध देने आते हैं आपके घर पर तो रात का गंदा बर्तन लेके पहुंच जाते हैं, क्या हम उसमें दूध लेते हैं? क्यों नहीं लेते हैं? दूध फट जाएगा। डेगची या बर्तन धो लेना चाहिए कायदे से, तब उसमें हम शुद्ध दूध रखते हैं और उसे पकाते हैं, वो बना रहता है। ऐसे ही हमारा मन है, प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए मन को शुद्ध करो, मन पर छिड़काव करो, यीशु के लहू का छिड़काव करो। हर एक मनुष्य को जरूरत है मन शुद्ध करने की। मन शुद्ध तुम अपने आप नहीं कर सकते हो, मन शुद्ध करने के लिए परमेश्वर ने प्रयोजन किया है, और मन शुद्ध करने के लिए उसने पछतावा किया है, अपने पुत्र को मनुष्य के लिए प्रायश्चित कर बना दिया, प्रायश्चित का मेमना बना दिया और उसे क्रूस पर टांग दिया, और यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए प्रायश्चित किया और दुआ करी, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, मेरे हाथों में कीले ठोक रहे हैं, मेरे पैरों में कीले ठोक रहे हैं, मेरी पीठ पर कोड़े मार रहे हैं, मेरे सर में कांटों का ताज लगा दिया है, मेरे शरीर से लहू बह रहा है, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मैं तो कब्र में अपनी मर्जी से जाऊंगा और अपनी मर्जी से तीसरे दिन बाहर आ जाऊंगा, लेकिन ये अगर मरेंगे तो कभी नहीं उठेंगे, ये श्रापित जगह चले जाएंगे, और वो श्रापित जगह मैं नहीं जाने दूंगा, रे इन्हीं के लिए मैं अपने प्राणों की कुर्बानी दे रहा हूं, इन्हीं के लिए मैं नरक के दरवाजे बंद करके स्वर्ग का दरवाजा खुद बन जा रहा हूं, ताकि स्वयं दरवाजा बनकर इन्हें बुला सकूं और कहूं, हे मेरे प्रियो, हे मेरे बच्चों, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यदि हम यीशु के पीछे चलेंगे, उसके वचन को मानेंगे और उसके वचन के अनुसार उसके लहू को अपने हृदय पर शुद्ध करेंगे, हृदय पर छिड़काव करेंगे, तो यीशु का लहू हमें सारे पापों से निश्चय शुद्ध करेगा, हमें नया मन देगा, हमें नई आत्मा देगा, और हमें नया मनुष्य बनाकर परमेश्वर के बेटे और बेटियों की समानता में बना देगा। प्रभु यीशु मसीह के दुनिया में आने का एक मकसद है, सारी मानव जाति को मनुष्य के बेटे और बेटियों से परमेश्वर के बेटे बेटियों में बदल देना। यही सच्चा है, यही है, झूठ से सच्चाई की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर,
पाप से पवित्रता की ओर लाने का काम यीशु मसीह ने किया है, और यही आज भी प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं दुनिया में इस प्रचार के माध्यम से, परमेश्वर के पुत्र के वचन के प्रचार के माध्यम से। यीशु मसीह आज स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार लिए हुए पिता के दाहिनी ओर स्वर्ग में बैठे हैं, जीवित हैं वो, और वो दोबारा आएंगे और सारी पृथ्वी का न्याय करेंगे कि जो कुछ हमने शरीर में भला और बुरा किया है उसका हिसाब हमें प्रभु यीशु को देना पड़ेगा, क्योंकि वही है, मनुष्य है वो, उसने मनुष्यों के लिए दुख उठाया है, उसने मनुष्यों के पापों के लिए खामियाजा दिया है, उन्होंने मनुष्यों के गुनाहों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस की मृत्यु सही, हाँ क्रूस की मृत्यु सही, और कब तक गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, क्योंकि उनका अपना कोई गुनाह नहीं था, वो केवल गुनहगारों को बचाने के लिए गुनहगारों जैसी मौत सही। लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मसीहा शब्द का अर्थ है अभिषिक्त, छुटकारा देने वाला। हालेलुया, यीशु मसीह अभिषिक्त, छुटकारा देने वाला। तो अभिषिक्त, छुटकारा देने वाला, किसानों का मसीहा, गरीबों का मसीहा, दलितों का मसीहा, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है दुनिया में। ये मसीहा कौन है? ये मसीहा मसीह यीशु के आने के बाद ही इस शब्द की शुरुआत हुई है, उससे पहले कोई मसीहा नहीं था। ये मसीहा जब बने तो मसीह यीशु के आने के बाद बने हैं। ये टाइटल यीशु मसीह से ही मिला है। आज हम चाहते हैं कि आप सब मसीहा बने, लोगों के दुख दर्द में मसीहा बनिए, गरीबों के मसीहा बनिए, किसानों के मसीहा बनिए, दुखी मनुष्य कैसा भी हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, उसके लिए मसीहा बन जाइए और प्रभु के संदेश को, प्रेम को उस तक पहुंचाइए। बीमार है उसके लिए दुआ करिए, प्रार्थना कीजिए, अस्पताल ले जाइए, दवा इलाज कराइए, भूखा है तो उसे खाना खिलाइए, सेवा करिए, ताकि कोई मनुष्य हमारे आसपास पड़ोस में कोई भूखा प्यासा बीमार और रोगी न रहे, सब सुखी रहें, हर एक के सुख और हर एक के दुख में शामिल होइए और उनके सुख दुख को अपना सुख दुख समझिए। किसी के दुश्मन के घर में भी दुख है तो हमें दुख होना चाहिए, क्योंकि वो भी मनुष्य है जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। हमारे प्रभु उससे भी प्रेम करते हैं, इसलिए हमें भी प्रेम करना है। इस प्रेम की परिभाषा यही है मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम है, और वही प्रेम यीशु मसीह ने इस दुनिया पर प्रकट कर दिया। प्रेम होता कैसा है? संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह के वचन के बहुत बड़े प्रचारक हुए हैं, उन्होंने प्रेम की परिभाषा दी है आत्मा के द्वारा। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, इसको आप रोज पढ़िए, आप प्रेम को समझ जाओगे। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, आप प्रेम को नहीं जानते हैं तो प्रेम समझ जाएंगे, प्रेम की परिभाषा जान जाएंगे, और परमेश्वर जो प्रेम है उसके बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यानी मैं अन्य अन्य भाषाएं बोलूं, जो स्वर्गदूत बोलते हैं, हम बोलते हैं दरबार में बहुत दफा, और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झलझलाती हुई झांझ हूं, कुछ भी नहीं है। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, सब प्रकार मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, मुर्दों को जिंदा कर दूं, बीमारों को चंगा कर दूं, अंधों की आंखें खोल दूं, बहरों के कान खोल दूं, दुष्ट आत्माओं को निकाल दूं, और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। सोचिए प्रेम की परिभाषा कितनी बड़ी है। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। यानी लोग असेंबली के सामने, पार्लियामेंट के सामने अपना प्रोटेस्ट करते हैं, और उस प्रोटेस्ट में क्या करते हैं, मिट्टी का तेल डाल लेते हैं, अपने ऊपर आग लगा देते हैं। तो संत पौलुस कह रहे हैं कि यदि आप अपना बदन भी जलाने को दे दो नफरत में,
घृणा में, बदले में, तो कुछ भी नहीं है। मतलब प्रेम बड़ा है, प्रेम की बात कर रहे हैं। प्रेम न रखूं तो कुछ लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, क्रोधी नहीं है, बदला नहीं लेता, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं रखता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। यीशु मसीह ने अपनी बड़ाई नहीं करी, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और फूलता नहीं। वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हुआ तो बालकों की बातें छोड़ दी। हमें अभी दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी रीति से पहचाना जाऊंगा जैसा पहचाना गया हूं। अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थाई हैं। विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थाई हैं, और इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। हालेलुया, जय यीशु। सो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। अंत में ये सारी बातों का निचोड़ यही है, यूहन्ना के 3 अध्याय उसके 16 पद, पूरे आज की बातचीत का सारांश यही है, निचोड़ यही है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के पुत्र का नाम क्या है? यीशु मसीह। यही है मसीहा, अभिषिक्त, छुटकारा देने वाला हमारे मध्य में है। हमारे मध्य में जो कार्य होंगे वो यीशु मसीहा के आने के कारण होते हैं। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। पवित्र आत्मा जो कुछ करता है मसीह यीशु की महिमा के लिए करता है। पवित्र आत्मा अगर अंधों की आंखें खोलेगा तो मसीह यीशु की महिमा के लिए खोलेगा। पवित्र आत्मा अगर कैंसर के रोगी को चंगा करेगा तो यीशु के महिमा के लिए करेगा, क्योंकि यीशु के कोड़े खाए जाने से तुम चंगे होते हो। वो उस वचन को पवित्र आत्मा पूरा करेगा। हालेलुया। यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, बीमारी, रोग है, एक हाथ सीने पर रखो, दूसरा ऊपर उठाओ और अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, जहां भी हैं। अपने घर पर है तो घर पर हम आपके लिए दुआ करेंगे, और पवित्र आत्मा आपको आपके स्थान पर छुएगा। हमें आपको छूने की आवश्यकता नहीं है, आपको हम छुएंगे नहीं, पवित्र आत्मा स्वयं छुएंगे। यीशु मसीह का हाथ आपको छुएगा, और पवित्र आत्मा का हाथ सामर्थी हाथ है। आपके शरीर में कंपन होगा, आपके शरीर में बदलाव दिखाई देगा, आपके मन में बदलाव आएगा, नई आत्मा प्रवेश करेगी, हृदय में अशुद्धता को दूर कर देगा। प्रभु यीशु को देते हैं, पवित्र आत्मा को देते हैं, पिता को देते हैं। आमीन।